ये था कि अंत चुनाव होना नहीं चाहिए था। ये संवैधानिक पद है और इस पद पे चुनाव हो तो परंपरा बहुत अच्छी परंपरा नहीं होती है संवैधानिक पदों पे चुनाव की। प्रयास तो यह था कि चुनाव ना हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने प्रत्याशी खड़ा किया, उससे उस वजह से चुनाव हुआ। तो मतदान के बाद जो मुझे लोगों ने समर्थन किया है, साथ दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अब संवैधानिक पद पे आ गया हूं तो निष्पक्षता से काम करूंगा, निष्पक्ष रूप से रहूंगा और जो परंपराएं हैं विधानसभा की, उन परंपराओं को और कैसे मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। आपको पक्ष ने किया है क्योंकि उपाध्यक्ष का पद तो पिछले 14 साल से रिक्त था। उस वक्त दो सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की आई, उन दोनों सरकारों ने उपाध्यक्ष नहीं किया विधानसभा में। आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने उपाध्यक्ष पद दिया है मुख्य विपक्षी दल को, परंपरा का निर्वहन सरकार ने किया। जो ये कहते हैं कि हम परंपरा का निर्वहन नहीं करते, तो उनका मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतिहास को देखें और आपको पता लगेगा कि परंपराओं का निर्वहन और परंपराओं को सम्मान करने का अगर काम किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया।